अस्सलाम वालेकुम। आज के स्केचअप ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट टूल के बारे में। और सबसे पहले तो हम स्केचअप को ओपन करते हैं और ये हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट आ गया। और पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेजरमेंट टूल की इम्पोर्टेंस क्या है। जब आप कोई भी चीज़ जो आप एग्जैक्ट साइजेस के ऊपर बना रहे होते हैं तो मेजरमेंट टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जाहिर सी बात है वो आपको हाइट वेट सारा कुछ मेजर करके बताता है और आप उसी के ऊपर एक्चुअल जो ड्राइंग है उसको मद्देनजर रखते हुए उसको 3D मॉडल बनाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मेजरमेंट टूल स्केचअप में है कहाँ पे। टूल्स में जाते हैं हम और टूल्स में आकर हमारे पास मेजरमेंट टूल ये है हमारे पास टैप मेजरमेंट और इसकी शॉर्टकट कमांड T है हमारे पास। और इसको आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं टैप मेजरमेंट टूल। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हमने देखना है कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसको हमने इस पॉइंट पे सिलेक्ट किया और माउस से लेफ्ट क्लिक किया और ये देखें ये साथ साथ आप ये मेजरमेंट टूल में इसकी लेंथ आ रही है 36 फीट आ रही है। तो इस तरह हमें इसका एरिया पता चल गया। और अगर हम चाहते हैं कि हमें इसकी जो हाइट है वो देखनी है तो हम इस पॉइंट पे सिलेक्ट करेंगे और इसके एंड पॉइंट पे और ये देखें हमारे पास इसकी एग्जैक्ट जो लेंथ है वो आ गई है। इस तरह मेजरमेंट टूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम इसका कुछ फॉर एग्जांपल एक फीट एरिया यहाँ से छोड़ें और ये देखें हम एक फीट यहाँ पे छोड़ते हैं, ये इसकी एक बाउंड्री लग गई और हम इसको इस साइड से भी एक फीट छोड़ देते हैं। तो ये मेजरमेंट टूल के दो फायदे हैं। एक तो ये कि इससे हम एग्जैक्ट मेजरमेंट जो है उसका पता लगा सकते हैं और दूसरा आपने देखा होगा कि जैसे मैंने इसकी बाउंड्रीज लगाई हैं ये देखें तो इसके साथ जो डॉटेड लाइंस हैं ये आपको बड़ी हेल्पफुल होती हैं जब आप कोई भी चीज बना रहे होते हैं। और अभी मैंने एक एक फुट का दोनों साइडों पर लाइन लगाई है और अब जब मैंने इसकी बाउंड्री लगानी होगी तो मेरे लिए बहुत इजी है। हम जस्ट पेंसिल टूल पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे इधर और यहाँ से इसको हम मिला देंगे इस साइड पे। तो ये देखिए ये हमारी एक एक फुट की साइड पे बाउंड्री लगे। तो ये है बेसिकली मेजरमेंट टूल का यूजेज स्केचअप में। उम्मीद है कि आपको मेजरमेंट टूल का अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।